यार एक पैगाम देना चाहता हूँ वहाब रियाज को। वहाब रियाज के शक्ल पे लख दी लानत है, लख दी लानत है। बाबर के चल रहे हैं अभी बुरे दिन। बुरे नहीं चल रहे, ये शुरू से ही बुरा है। चुप चुप, स्टॉप स्टॉप। मैच चल रहा है पाकिस्तान और कनाडा का। आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है। आए देखते हैं कि मैच कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है, वर्ल्ड कप के अंदर आ जाएगा वापस। हाँ वो इसके पेट में अंदर आ जाएगा, बाकी तो कोई हाल नहीं है। तुम्हारे क्या बिगड़े अनिल भाई, नजर आ रहे कट तो ही है। इंडिया से जो पाकिस्तान हारा है ना, दिल खराब हो गया, अब मैं मैच नहीं देखूंगा। यार तुम तो उस दिन गाड़ी में भी बोल रहे थे आइंदा मैं कैमरा हाथ में ले लूंगा, माइक हाथ में ले लूंगा, मैं मैच नहीं देखूंगा। सबसे पहले तो तुम बैठे होते हो, ये गेंडा बैठा होता है। माशाल्लाह बाबर ने ड्राइव मारी है यार, अचार डाले इस ड्राइव के। इंडिया के खिलाफ क्या किया आपका किंग ने? आपका किंग इंडिया के खिलाफ कहां मर गया था? बुमरे की बॉल तो नजर नहीं आ रही थी वाले को। गालियां नहीं, दानियल भाई ने माशाल्लाह से उमरे पे गए थे। दानियल भाई तस्वीर देख लो। नहीं दानियल भाई उसमें मिल रहे हैं। बम बोले। आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है क्रिकेट का? तो खैर था हार गया, लेकिन उम्मीद है थे इंशाल्लाह जीत जाएंगे ना। खैर था कल इंडिया से हार गया, खैर है। मैं कहता हूँ क्या खिलाड़ियों का प्रेशर था, मेरे ख्याल में जो है ना बीवी का प्रेशर था। पीसीबी को होता है, ऊपर बड़े हजरतों को होता है, हमें क्या पता है। एक वक्त में एक बोलेंगे नहीं तो अच्छी बात नहीं है, ऑडियंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। है मौलाना साहब ड्रामाबाजी का सिंगल डबल में लगे हुए हैं, कम से कम अभी इतना 8 आवर 9 आवर हो गए, 10 आवर हो। आप कह रहे हैं टांगे उठाओ और मारो छक्के चौके, तो मारो। ये जो ना ऊपर हिटर है बैठे हुए, जिस तरीके से ये इंडिया से हारे, फिर उसके बाद पहली शिकस्त जो इनको हुई है वो यूएसए से हुई है, माशाल्लाह अमेरिका से, वो भी हमारा ही मुल्क है, वो भी हमारा ही। सर अगर वो अगर हारते नहीं तो खाते क्या? अभी यहाँ पे बैठा, तुम्हारा जो पेट इतना 50 किलो का पेट है किससे भरता? उसी से तो भरेगा, डॉलर आएंगे। मैच हम हारे, IMF ने कर्जा दिया है तो ये पेट में खाना जा रहा है हमारे। तो यार जा रहे, लेकिन यार आप बाहर गए हुए हो, आप आवाम को कौम को तो मायूस नहीं करो ना यार। हमारे खातिर पेट तुम्हारा टेंशन। चुप हो जाओ यार। ये कब जो है ना दो लोग जीत सकते हैं, पहले जो ना ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जाएगा उसके दूसरे नंबर पर इमारत इस्लामी वाला अफगानिस्तान वाला, वो लोग फॉर्म में आया हुआ है। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या अफगानिस्तान जीतेगा? यही दोनों जीत। और अगर ऑस्ट्रेलियन जीते तो वो शराब पियेंगे, अफगानिस्तान वाले जीते तो पानी पियेंगे। यार सलमान भाई एक बात पूछनी थी आपसे यार, ये वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी? पाकिस्तान। बेड़ा गर्क हो गया है हमारी क्रिकेट टीम का। अब ये बताओ कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जिसको टीम में लेकर आए तो टीम वापस बने हमारी? अगर इमरान खान को भी जेल से आजाद करके इस टीम का कैप्टन बना दो, टीम का बेड़ा गर्क के ये कुछ नहीं होगा, मेरा मानते हैं। ये टीम को बुलाओ, गोलियां मारो, 11 के 11 उड़ा दो, और ये इमरान खान भी आएगा ना, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। सलमान भाई तुम ऐसे ही उम्मीद लगा के अपना टाइम जाया करो। और अगर कायदे आजम आ गए? कायदे आजम का बाप भी आएगा तब भी कुछ नहीं हो सकता। कायदे आजम तो छोटी बात, मतलब ये टीम खत्म हो चुकी है, खत्म है। बाबर आजम के हाथों खत्म है, भड़वे आजम के। गालियां नहीं, कैमरा बंद कर दो, अब मैं आगे बात नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग मैच देख रहे हैं माइकों के ऊपर। आप भी देखें और घर बैठे कमाए पैसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके ऐप डाउनलोड करो और पैसे कमाओ क्योंकि मैच देखने के पैसे मिल रहे हैं। क्यों मौलाना साहब? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का कौमी गेम कौन सा है? क्या है? मार कुटाई, चंपा प्लेटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्रिकेट इस वजह से नहीं जीत पा रहे क्योंकि यह है गोरों का गेम, तो ये शायद हराम है। अच्छा अच्छा, इंडिया गोरे, वेस्ट इंडीज वाले गोरे, वो सामने से ज्यादा वो वेस्ट इंडीज वाले काले हैं। कल का मैच जो पाकिस्तान इंडिया से हारा है, क्यों हारा है, वजह क्या थी? वजह दो, एक इफ्तिखार, एक इमाद वसीम। इमाद वसीम ऐसे प्लेयर है, आपको भी पता है, उसके ऊपर 23 बॉल पे वो 50 भी करता है, वो 20 बॉल पे करता है। उसने कल कितने बनाए? कल उसने मेरे ख्याल से 15 रन बनाए थे 24 बॉल, 5 बॉल उसने स्पिनर के कैसे डॉट किए, जानबूझ के डॉट खेल रहा है। इसने बाबर आजम के साथ है, देखो बाबर आजम मेरा दुश्मन है, जो दुश्मन भी है लेकिन वो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, दुनिया जानती है, मैं बाबर को गालियां देता हूँ, लेकिन इसके साथ बाबर आजम के साथ गलत हुआ है, कल का मैच में गलती की है, और बाबर ने खुद भी गलती की है। उसको भेजा क्यों ऊपर भाई, नसीम शाह को भेजा। आप ये कह रहे हैं कि इमाद ने बाबर के साथ दुश्मनी निकाली। आमिर टायर्ड बंदा है, हलाली बंदा है, उसने एक गलती कर दी थी, एक गलती सब ने की होगी, आपने भी की होगी सलमान भाई, गलती दानियाल, ये गलती है आपकी सबसे बड़ी गलती। तो
बहुत सैड यार। अब शादी कर लेते हैं, चलो यार अंगूठी बनाओ एक दूसरे को, ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। पागल हो गया, मैं लड़की से करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार लड़की देखते हैं फिर, मेरे लिए भी लड़की। आप देखो आपने अपने लिए ढूंढ लिए तो। नहीं मैं अभी ढूंढ रहा हूँ भाई, वहाँ पे तो सिखाने की बात चल रही है ना एक जगह पे। अभी देखो वहाँ पे क्या लग रहा है, क्या जवाब आएगा। हाँ का जवाब आएगा। मैं तो बोलता हूँ इमाद वसीम को बना दे बैंड, मजा आ जाएगा उस्ताद। मजा आ जाएगा। इमाद वसीम की तुम बात कर रहे हो, अब इंडिया के मैच में नहीं चला, कैप्टनसी की और रेड लगेगी। ऐसे क्या हो गया तुम्हें? पहली बार सही बात करी है उन्होंने। ये आखिरी दफा गलत भी बोल रहा है। इमाद वसीम कैप्टन बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर है। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, चाय में थूक जा रहा है यार। सलमान भाई बिरयानी खिलाते हो, बर्गर खिलाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं आता तेरे को। पर हमने खिलाया भी बहुत है सलमान भाई को। कब खिलाया भाई? तुम उल्टा आ रहे हो। इसका कहा था तो फिर तू हमारे साथ ही बैठ उठ। क्या बोल दिया, पूरी ऑडियंस समझेगी दानियल खिलाता है मुझे। अबे तो करो, मतलब ऐसी बोला है बात रखने के लिए। 50 बनाने थी ये भूल गया दानियल, तुम्हारा थूक आ रहा है यार। अबे वो भूल गया दानियल भाई, समझे बाबर आपके सामने। अब बाबर की कैप्टनसी है खतरे में, ये आएगा वापस। पूरे पाकिस्तान का दिमाग इस वक्त खराब हुआ भाई। ये माइक है अपने होठों से, इसमें बोले जो बोलना है, समझे पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। देखें जिस तरीके से सामने को, कैसे सलमान साहब खरीद से। आज मैं सरफराज अहमद की वीडियो देख रहा था। कौन सी लीक हो गई कोई? नहीं 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 नहीं, आज मैं सरफराज अहमद की एक वीडियो देख रहा था। तुम कैप्टन अच्छे थे, पाकिस्तान टीम को तुम्हारी जरूरत है कैप्टनसी की इस वक्त। लेकिन क्या करें, जो पंजाबी लॉबी बैठी हुई है इस पर। गलत बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैनेजमेंट गलत है यार क्रिकेट की, गलत बात भी मैनेजमेंट गलत है। पाकिस्तान पूरी टीम है, सरफराज एक अच्छा कैप्टन था, आपको इज्जत दी है, ये बात नहीं करो। लेकिन अभी सरफराज की जगह नहीं बनती, अभी नहीं बनती। हक की बात करो, नहीं बनती है वो केंद्र, नहीं बनती। क्रिकेट से बायकॉट है। अबे तेरा बायकॉट हो तू मर जा, तुम्हारे लिए क्या नुकसान है। चलो भाई पाकिस्तान जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन एंड मोटा। और मोहम्मद आमिर मैन ऑफ द मैच बन गया आज का। लेकिन एक पॉइंट है, ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन ये रमीज राजा तो इसकी तारीफ नहीं करता आज भी, तारीफ कैसे करेगा, डॉलरों के लिए तारीफ करता है। दिखाना जरा मोहम्मद आमिर मैन ऑफ द मैच बन गया है आज का। रमीज राजा कह रहा था मेरा बेटा भी आमिर की जगह होता तो मैं कभी टीम में नहीं आने देता, और अभी आमिर की ही तारीफ कर रहा है क्योंकि आमिर मैन ऑफ द मैच है। हरामखोर चीज है, देखो पैसा इतना हरामखोर चीज है, इतना भी मजबूर कर देती है बंदे को, जैसे रमीज राजा को मजबूर कर दिया। कहते हैं मैंने शुरू में बोला था ये टीम हमारे नकारा है, ये कैप्टनसी नकारी है, ये किसी काम का नहीं है। चाय मंगवा, ओ सॉरी कुछ नहीं, पैसे चाहिए। अबे पैसे तो है यार, पानी चाहिए। पानी मंगाओ ना दानियल भाई के लिए यार। क्या मंगाओ, खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है। हराम खा के इसके पेट देखो, हराम खोर इंसान, कुछ तो कम खाओ। नहीं नहीं ऑडियंस देख रही है, अच्छी ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को भी तो पता चले कितना मानता है सलमान भाई को। लूट रहा है ये आदमी सलमान भाई को, लूट लूट के तबाह बर्बाद। अपने नसीब का खा रहा है, अपने नसीब का खा रहा है भाई। अपना नसीब का नहीं खा रहा है, ये दूसरों का भी नसीब खा रहा है। इसके पेट देखो, ये अपने घर वालों, तुम जैसे तुम अपने घर वालों का शुक्र है, अपने घर वालों का खा रहा कुत्तों के बाल नहीं खाता, तुम जैसे कुत्तों के बीच में नहीं पलता। मैं वो शौक है बोले, तुम कुत्ते हो एक नंबर के, तुम बिल्डर हो यार। एक पैगाम देना चाहता हूँ वहाब रियाज को, वहाब रियाज के शक्ल पे लखदी लानत है, लखदी लानत है पूरी पाकिस्तान के ऊपर से। हमारा लेजेंड प्लेयर है यार, हमारा घंटे का प्लेयर है। बगैर कहते बाबर जैसे कप्तान को उसने रखा हुआ है, वो लेजेंड है, उसको सोचना चाहिए यार, उसको दूसरे दिन ही सोचना। एक मिनट, आपकी नजर में अगर आप चीफ सिलेक्टर बन गए पीसीबी के, सही है पाकिस्तानी टीम के, ये बताएं आप किसको कैप्टन बनाएंगे? सरफराज अहमद को। अरे कहाँ से बनाएंगे, अभी गाय खरीद के लाया कर 2.5 लाख रुपए की। अरे यार उसके पास पैसा बहुत है, पैसों से जल्दी बनता है भाई, बिक जाएंगे। नहीं बिकूंगा नहीं, लेकिन सरफराज अहमद को बनाऊंगा भाई। इसका ये मिसाल है क्योंकि कराची गए हो। कराची गए, मैं तो कराची के लड़के इन करूंगा यार। मावे गुटके वाले। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये कवर कराइए यानी अवर हो गया। नहीं भाई ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं ना, तो मैं भाई टैलेंटेड लड़के चाहिए बस, कराची के टैलेंटेड लड़के यार। उम्र में अपनी इज्जत कर ली है, इज्जत करके भाई बहुत बेहतरीन थे, करके चले गए वो अपना काम। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है सरबरा हर जगह घुस जाए, अब उसकी इज्जत नहीं, वो करके चले गए अपना काम। अब बताओ अभी करंट जो लड़के 11 इसमें से कौन कैप्टन होना चाहिए? आमिर कैप्टनसी नहीं करता, जाहिल आदमी क्रिकेट सीख के आ जाओ। गेंडे सियत के ऊपर अकल भी रख लिया कर, इतना बड़ा सर लेके घूम रहा है।